हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इसके आप देखो, आज हम फिर से आरबी कार डेकोर की चैनल से आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं यहाँ पे। तो आज जो हमारे पास आई है अपनी ब्रीजा का VXI वाला वेरिएंट रहने वाला अपने, जिसको हमने बेस टू टॉप में कन्वर्ट किया है। आज पूरा जो भी एसेसरीज लगती है ना VXI के अंदर, वो सारी हमने आज गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दी है। कोई भी एसेसरीज नहीं है जो इसमें नहीं की हमने। एंड इसके अंदर हमने लग्जरी सा इंटीरियर भी किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे बाद में इसकी गाड़ी के अंदर जाने के बाद। एंड फ्रंट में आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अपनी डेरियर इंस्टॉल की गई है, जो कि आप देख लो बेस्ट वाली जो अपनी हेडलाइट डेरियर लुक की अपनी, वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है। अपनी नीचे अपने फॉगलाइट इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पे अपना जो बैजल होता है फॉगलाइट बैजल, वो भी इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पे जो अपना बंपर एक्सटेंडर होता है, जिसको हम यू भी कहते हैं, यू कहते हैं इसको वैसे तो ज़्यादातर, अपना फ्रंट का यू और पीछे का यू दोनों ये कहते हैं अपना। तो आप देख लो, ये यू भी अपना इंस्टॉल किया गया है, जिसका आपको यहाँ पे रेड रंग की जो अपनी जो यहाँ पे थ्रेडिंग होती है अपनी, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, जो कि आप देख लो इसका आपको लुक इसका जहर मिलने वाला है। एक नंबर देख लो आप, और गाड़ी में आप देख लो फ्रंट से आपको यही पूरा मिलने वाला है यहाँ पे काम अपना। एंड अंदर से हम थोड़ा तो साइड से हम पहले साइड में अपने हमने इसके अंदर साइड वोडिंग लगाई है, अपने डोर गार्ड लगाए हैं। एंड यहाँ पे लोअर गार्निश मिलने वाली आपको। एंड यहाँ पे हमने इसके डोर वाइज इंस्टॉल किया है क्रोम लाइनिंग वाले अपने प्रॉपर अपने, जो कि आप देख लो यहाँ पे जेन्युइन वाले अपने मिलने वाले मारुति जेन्युइन पार्ट अपने। और यहाँ पे आपको अंदर जाके दिखाऊँ थोड़ा अंदर, हमने इसके अंदर अपना जो डोर पैनल होता है अपना, वो हमने पूरा रैप किया है यहाँ पे, जो कि आप देख लो कुशनिंग के साथ मिलने वाले सॉफ्ट टच के साथ, जो कि अच्छे कंट्रोल है यहाँ पे। एंड हमने यहाँ पे अल्ट्रा सीरीज वाली अपनी जो गाड़ी की अपनी लाइट होती है एम एस लाइट अपनी, वो भी हमने इंस्टॉल करी है यहाँ पे, जो कि अच्छा कंट्रोल लो। पूरे डैशबोर्ड वगैरह अपने डोर्स वगैरह सबने लगाई है। अपने ब्राइटनेस देख लो आप, दिन के समय में कितनी ब्राइटनेस मिलने वाली है। आपको आमरेस्ट अपना यहाँ पे खुल चुका है, आमरेस्ट भी इंस्टॉल किया जा रहा है कंपनी वाला हटा के, अपनी वाला आमरेस्ट इंस्टॉल किया जा रहा है मारुति जेन्युइन अपना, जो कि आप देखिए यहाँ पे। एंड अपनी सीट को वगैरह भी इंस्टॉल किया जा रहा है बकेट फिटिंग के अंदर, जो कि आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ इसके अंदर हम अपने स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग में होते कंट्रोल लग रहे हैं इसके अंदर, जो कि आप देख लो कॉलिंग बटन वगैरह के साथ अपना प्रॉपर अपने। एंड यहाँ पे आप चेक कर लो गाड़ी का लुक अपना, पूरी गाड़ी खुल चुकी है यहाँ पे अपनी। यहाँ पे एंड्रॉइड वगैरह कुछ चेंज करिए सर जी, एंड्रॉइड चेंज नहीं हो रहा अपना, कंपनी वाला ही एंड्रॉइड है इसके अंदर। एंड स्टेयरिंग लग रहा है इसके अंदर टॉप मॉडल बस, माउथेड कंट्रोल है, माउथेड कंट्रोल इसके अंदर आपको इंस्टॉल किया गया है, आपने स्टेयरिंग वगैरह नहीं है इसके अंदर कुछ भी। एंड यहाँ पे आप देख लो प्रॉपर अपनी गाड़ी की प्रो वाली जो अपनी एमएन टाइट आती है अपनी प्रो सीरीज वाली, वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है अपनी गाड़ी के अंदर। एंड बाकी आप देख लो पूरी गाड़ी अपनी खुल चुकी है यहाँ पे VXI वेरिएंट अपने, ये VXI से हमने इसको पूरा ZXI में कन्वर्ट कर दिया, एक तरह से ये समझ लीजिए आप। ZXI भी क्या, ZXI प्लस कह सकते हो आप इसको। इसके आप दिन की जो एमएन टाइट है ना अपनी, इसकी ब्राइटनेस चेकआउट कर लो आप यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस, प्रो ब्राइटनेस आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप चेकआउट कर लो आप यहाँ पे, पीछे के डोर्स आगे के डोर्स अपने डैशबोर्ड पूरा लुक ही चेंज हो गया मतलब गाड़ी का, आप देख लो। एंड यार ये लुक देख लो आप, अलावेज तो अपने वही रहने वाले कंपनी है, जो कि आप चेकआउट कर लो यहाँ पे। एंड आप यहाँ पे फ्रंट का लुक देख लो यहाँ से, देखिए कतई जहर मिलने वाला है आपको यहाँ पे। एंड अभी हमने आपको इसकी बिफोर कंडीशन दिखा दी है, अभी आफ्टर कंडीशन दिखाएंगे हम सीधा वीडियो में एंड में, कि हमने इसके अंदर पूरा चीज़ क्या क्या लगाया था। और यहाँ पर आप देख लो पीछे की तरफ आऊँ थोड़ा, पीछे की तरफ हमने इसमें जो अपने यहाँ पे डिक्की क्रोम आती है अपनी वाली सिल्वर वाली, ये भी हमने इंस्टॉल कर दी है यहाँ पे, जिसका आप लुक देख सकते हो यहाँ पे। एंड नीचे की तरफ जो अपना बैक अपना यू आता है, जो हम आपको मैंने बताया बैक यू अपना, वो वाला भी इंस्टॉल कर दिया गया यहाँ पे, आप चेकआउट कर लो यहाँ पे। एंड यहाँ हमने रिफ्लेक्टर के मैट्रिक्स के अपने रिफ्लेक्टर इंस्टॉल कर दिए, नीचे अपना जो यहाँ पे आता है अपना पीछे का, ये भी हमने इंस्टॉल कर दिया, जो कि आप चेकआउट कर लो, स्मार्ट हाइब्रिड अपने। और यहाँ पे आप देख लो हमने इसकी स्लाइडिंग में इंस्टॉल कर दी, जो कि मारुति जेन्युइन रहने वाली है अपने, इस लोगों से पहचान सकते हो। अपने डोर वाइजर पे भी आपको ये लोगो मिलने वाला है अपना, देख लो आप मारुति जेन्युइन में। एंड यहाँ पे अपनी लोअर गार्निश भी लग चुकी है, सिक्स पीसेस वाली होती है अपनी, फिर इस तरफ फिर उस तरफ सिक्स पीसेस वाली होती है, इस तरह से लग जाती है अपनी गाड़ी के अंदर ये। और इसका लुक देख लो भाई, गाड़ी का पूरा पूरी गाड़ी खोल दी गई है यहाँ पे, अपने पीछे की सीट वगैरह लग चुके हैं यहाँ पे, जो कि आप वो भी देख सकते हो। एंड सब कुछ इसके अंदर हो ही चुका है वैसे तो, बस थोड़ी बहुत और एसेसरीज रह गई है इसके अंदर, जो हमने अभी नहीं की है गाड़ी के अंदर, वो भी इंस्टॉल हो जाएगी थोड़ी देर में। और गाड़ी का आप लुक देख लो यहाँ से, जो कि गाड़ी अपने आई थी उत्तराखंड से, अपने भैया रहने वाले हैं और आए यहाँ पे फरीदाबाद से, तो आप गाड़ी का लुक देख लो यहाँ पे, प्रॉपर अपनी मॉडिफाइड की जा रही है गाड़ी को अपने। और गाड़ी जो आई है अपने आरबी का डेकोर पर आई है स्पेशली मॉडिफाइड के लिए, जो कि आप गाड़ी का लुक देख लो यहाँ से। तो अभी हमें पूरी गाड़ी जब कम्प्लीट हो जाएगी तब आपको उसका लुक दिखाता हूँ, कैसी आपको लुक मिलने वाला है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी ब्रीजा फाइनली कम्प्लीट हो चुकी है, जिसका आपको मैं लुक दिखा दी वहाँ से। तो आप देख लो यहाँ पे हमने डीएलएफ आपको बताई थी, जो कि अपने व्हाइट कलर के अंदर यहाँ पे जलते हुए आपको मिलने वाली है पार्किंग के अंदर, जो कि आप देख लो पार्किंग में जिस तरह से व्हाइट के अंदर आपको जलते हुए मिलने वाली है यहाँ पे। इंडिकेटर भी एक बार जला के दिखा दूँ आपको जरा, इंडिकेटर करना भैया, ये आप इंडिकेटर में लाइट देख सकते हो यहाँ पे, जो जिस तरह से आपको इंडिकेटर में लाइट देखने मिलने वाली है यहाँ पे, जो कि आप चेकआउट कर लो यहाँ पे इंडिकेटर में, कुछ इस तरह का आपको लुक मिलने वाला है यहाँ पे।
जो कि आप चेकआउट कर लो यहाँ पे लुक इंडिकेटर के अंदर अपने यहाँ पे एंड अपने हेडलाइट के अंदर यहाँ पे एलईडी इंस्टॉल की हुई है जो कि अपने 130 वाट्स की रहने वाली है। एंड यहाँ पे हमने फॉग लाइट के अंदर अपने फॉग लाइट इंस्टॉल की, साथ ही साथ यहाँ पे एलईडी इंस्टॉल की हुई है जो कि आप देख लो एलईडी को जिस तरह की आपको मिलने वाली है अपने, जो कि अपने 130 वाट्स की भी रहने वाली है अपने क्रिस्टल लाइट की, जो कि आप देख लो इसका लाइटनिंग रिस्पॉन्स आप यहाँ पे चेकआउट के सामने की तरफ, क्योंकि एक मिनट आपको लाइटनिंग रिस्पॉन्स देखने मिलने वाले रात के टाइम भी दिन के टाइम भी, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे लाइटनिंग रिस्पॉन्स इसका। एंड यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ जब हमने इसका यू लगाया था यहाँ पे, यू आप देख सकते हो इसका एक नंबर आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जो कि आप इसका फ्रंट लुक चेकआउट कर लो यहाँ से एक नंबर आपको टाइप मॉडल लुक मिलने वाला है गाड़ी के अंदर, जो कि VXi से अब ये पूरा ZXi के अंदर ही कन्वर्ट हो चुकी है एक तरह से। एंड यहाँ पे अब मैं यहाँ साइड में आऊँ थोड़ा, तो साइड में यहाँ पे हमने जो इसके डोर वाइजर लगाए हैं, जो कि आप डोर वाइजर देख सकते हो अपने क्रोम लाइनिंग के अंदर प्रॉपर अपने इंस्टॉल किए गए, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने आपको शुरू में दिखाया था, जैसे कि ये अपने मारुति के बैच अपनी जो बैजिंग अपनी यहाँ पे उसके साथ आपको मिलने वाली है। यहाँ पे लोअर गार्निश भी अपनी लग चुकी है पीछे तक अपनी, सिक्स पीसेस वाली होती है आपको पता ही है, मैंने बता दिया था। एंड यहाँ हमने इसके डोर गार्ड इंस्टॉल कर दिए, जो कि आप देख लो डोर गार्ड अपने इंस्टॉल हो चुकी है। एंड यहाँ अपने जो टायर क्लाइडिंग होती है अपनी, ये भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी मारुति जेन्युइन वाली, जो आपको इसकी बैजिंग के साथ आपको पता लग रहा होगा, देख लो प्रॉपर अपनी इंस्टॉल हो चुकी है गाड़ी के अंदर। ये भी अपनी नीचे की अपनी साइड रीडिंग भी लग चुकी है क्रोम लाइनिंग के साथ अपने, जो कि आप देख लो ये भी मारुति जेन्युइन रहने वाला अपना। एंड अंदर की तरफ मैं आऊँ थोड़ा, अंदर की तरफ हमने इसके अंदर सॉफ्ट टच वाला अपना जहाँ पे डोर पैनल आता है अपना, वहाँ पर यू यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, जो कि आप देख लो यहाँ पे प्रॉपर आपको इसके अंदर क्वालिटी देखने को मिलने वाली है अपने ब्राउन रंग का इंटीरियर के साथ इसको कंप्लीट किया गया पूरा, देख लो आप पूरा अंदर यहाँ पे ये आता है अपना, जो आप इसका लुक देखोगे ना एक नंबर आपको लुक मिलने वाली है क्वालिटी वाइज। आप चेकआउट कर लो यहाँ पे इसको अपने, स्टिचिंग आप देख लो यहाँ पे स्टिचिंग जो दी गई है यहाँ पे कपड़े के ऊपर, ये स्टिचिंग आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे, जो कि प्रॉपर अपना लग चुका है यहाँ पे डोर पैनल भी अपना। एंड यहाँ पे आप अपनी एमबीएंस लाइट को चेकआउट कर सकते हो, जो कि गाड़ी की अपनी अल्ट्रा प्रो सर्विस वाली अपनी यहाँ पे एमबीएंस लाइट इंस्टॉल की गई है, जो कि आप लोग देख लो इसका, जो कि अपने डोर्स के अंदर एंड अपने डैशबोर्ड के अंदर इंस्टॉल की गई है, जिसका आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक नंबर आपको बढ़िया सा लुक मिलने वाला है इसका। ये इसको ऊपर अपनी कैप लगा दी जाती है, जिससे अपनी जो इसकी जो लाइट होती है वो आंखों पे नहीं मारती सीधा सीधा, वो आपको इसका लुक मिलने वाला है, जो कि आप देख लो यहाँ पे इसके आपको दिन के टाइम एंड रात के टाइम दोनों तरफ ब्राइटनेस मिलने वाले इसके अंदर आपको, जो कि इस तरह की होती है अपनी, जो कि आप देख लो ये होती है एमएन स्टार्ट अपनी, जो कि आप बोल लो अपनी गाड़ी की प्रो अल्ट्रा सीरीज वाली रहने वाली अपनी है। एंड अपने डैशबोर्ड भी इंस्टॉल हो चुकी है, जिसका आप लुक देख लो यहाँ पे एक नंबर आपको लुक देखने को मिलने वाला है डैशबोर्ड भी अपनी पूरे तक अपनी लग जाती है प्रॉपर अपनी, जो कि आप क्या कर लो यहाँ पे अपने डोर्स वगैरह के अंदर प्रॉपर अपने लग चुका है यहाँ पे एमएन स्टार्ट का काम। एंड यहाँ अपने स्टेयरिंग का रैप किया जा रहा है, जो कि आप देख लो अपने ब्लैक एंड ब्राउन के अंदर ही रहने वाला अपने ये डेल्टोन के अंदर, जो कि भी अपने रैप कर रहे हैं यहाँ पे अभी, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी सीटिंग वगैरह भी की जा रही है प्रॉपर अपनी। एंड मैं पीछे के डोर पैनल आपको दिखाऊँ ज़रा कि पीछे कैसा किया गया, पीछे की भी आप देख लो प्रॉपर अपने सेम फिटिंग के अंदर आपको मिलने वाला है यहाँ पे भी काम इसका, जो कि आप चेकआउट कर लो एम एन साइड पीछे की भी अपनी ब्राइटनेस आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे एक नंबर आपको मिलने वाली है। सीट की मैं बात करूँ तो सीट को आप पीछे के देख लो फुल बक्कर फिटिंग के अंदर अपनी सीट को तैयार की गई है, जो कि आप देख लो यहाँ पे बक्कर फिटिंग के अंदर रहने वाले हैं। यहाँ का अपनी पोर्शन जो है ये भी अपना अभी रह गया, ये भी मतलब सीट को लग चुकी है उस पर, अभी वो भी आगे बस इसमें लगाना है बस और कुछ नहीं है फिट करना है। तो सीट को आप लोग देख लो यहाँ पे इसके रियर हेडरेस भी इंस्टॉल की गई, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो में। एंड और भी जो अब मैं पीछे की तरफ आऊँ थोड़ा, तो पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं जरा, अब मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ थोड़ा, तो पीछे की तरफ मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ हमने इसकी रिफ्लेक्टर लाइट इंस्टॉल की है, जो कि आप देख लो अपने यहाँ पे आपको ब्रेक पार्किंग इंडिकेटर तीनों पे अपनी लाइट मिलने वाली है। अभी इंडिकेटर के अंदर जड़ी है, अपने पार्किंग पे जलाओगे पार्किंग पे जलेगी, इंडिकेटर पे जाओगे इंडिकेटर एंड ब्रेक पे ब्रेक पे। और यहाँ पे अपना जो अपना मतलब आता है इसका मतलब भी हमने इंस्टॉल करा है यहाँ पे, जो कि आप देख लो इस तरह आपको मतलब देखने को मिलने वाला है, कीचड़ वगैरह से अपनी गाड़ी के ऊपर कीचड़ वगैरह नहीं बनने देता, इसका ये फायदा होता है। एंड यहाँ पे आप देख लो पीछे का जो अपना यू होता है, ये पीछे का भी यू देख लो अपना आप एक नंबर आपको मिलने वाला देखने को यहाँ पे। यहाँ पे अपनी डिक्की क्रोम भी इंस्टॉल की गई है, आप देख लो पीछे की जो अपनी यहाँ पे ब्लैक वाली जो अपनी गार्निश आती है ये भी अपनी ये भी इंस्टॉल हो चुकी है, जो कि आप चेकआउट कर लो अपनी ब्लैक वाली गार्निश अपनी। एंड यहाँ पे जो अपना नीचे का पोर्शन आता है अपना ये वाला, ये अलग साइड के अंदर नहीं आता, वो आप इंस्टॉल करवा सकते हो। यहाँ पे भी ये इंस्टॉल किया गया, जो कि आप देख लो इसका आपको एक नंबर बेहतरीन वाला लुक मिलने वाला है गाड़ी के अंदर, जो कि आप चेकआउट करते हो यहाँ पे। और मैं बात करूँ गाड़ी के अंदर तो दो अपने रूफ रेल इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आप देख लो इस तरह के रूफ रेल आपको मिलने वाले यहाँ पे, इसके शार्किंग हड्डियाँ भी इंस्टॉल कर दिया हमने यहाँ पे। और आप देख लो गाड़ी अपनी पूरी खुल चुकी है यहाँ पे, खुल चुकी क्या आप तो पैक हो चुकी है फिलहाल, पूरा काम हो ही चुका है क्योंकि गाड़ी के अंदर देख लो आप पूरी गाड़ी कंप्लीट है, बस सीट वगैरह रह गए फ्रंट के, वो भी अभी कंप्लीट हो जाए तो आपको लुक दिखा दूंगा लास्ट में उसका कैसा लुक आपको मिलने वाला है इसके अंदर। अपने हैंडल क्रोम पे आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो, क्रोम में होता अपने वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो, बेहन नहीं करवाया बेसिकली इसमें।
यहाँ अपने इनर हैंडल्स चेंज किए गए, जो कि आप देख लो क्रोम पार्ट के अंदर रहने वाला है। यहाँ पे ये वाले पे कंप्लीट लगे आते थे, ये वाले हमने चेंज करके अपने वाले अपने क्रोम के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। यहाँ आपको अगर इसका वुडन चाहिए ये वाला इसमें ब्राउन के अंदर में अपना, तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे भैया के पास, वो भी आप लोग वास्तव आके। और आप देख लो स्टीयरिंग का भी रह गया था, यहाँ अपने सीट पर रह गए यहाँ के बस, बाकी और सब भूल चुका है इसके अंदर, एंड वो भी हम आपको दिखा देंगे अभी लास्ट में। यहाँ अपना आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल किए गए, जो कि आप देख लो प्रॉपर अपना मारुति इंजन में रहने वाले, इसके अंदर स्पेस वगैरह आपको इस तरह के मिलने वाले हैं, जो कि आप चेकआउट कर लो अपने USB पोर्ट के साथ यहाँ पे रहने वाले हैं, देख लो अपना, जो कि प्रॉपर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आर्मरेस्ट देख लो अपना मारुति इंजन वाला। आप देख लो अपना स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट रहने वाला अपना ये प्रॉपर, जो कि आप चेकआउट कर लो यहाँ पे। इसमें हमने ड्यूल डैम्पिंग भी की है, जिसकी आपको मैं एक बार साउंड चेक करवाता हूँ। डैम्पिंग लगाने से क्या होता है, आपकी गाड़ी को साउंड प्रूफ हो जाती है गाड़ी अपनी प्रॉपर अपनी, जिससे आपकी बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती, तो इसका आप डैम्पिंग का ये फायदा होता है। और इसमें स्पीकर भी इंस्टॉल किए गए हमने, यहाँ पर आप देख लो डैम्पिंग का ये फायदा होता है अपना, दिखाता हूँ आपको भी यहाँ कितनी आवाज़ आई, यहाँ आप देख लो आवाज़ का डिफरेंट देखो आप, देख लो आप आवाज़ का डिफरेंट देखो आप यहाँ पे, तो आवाज़ का डिफरेंट ये है इसके अंदर कि अपने डोर्स पूरे भारी हो जाते हैं डैम्पिंग लगवाने के बाद, ये इसका फ़ायदा आपको मिलता है डैम्पिंग का। और अपने स्पीकर्स की बात करूँ मैं, स्पीकर का आपको यहाँ पे टोटल मिल जाता है अपने देखने को, जो कि आप देख लो स्पीकर अपने नीचे इंस्टॉल हो चुके हैं अपने, जो कि आप देख लो प्राइनियर इन्फिनिटी के रहने वाले अपने, जो कि प्रॉपर अपने इंस्टॉल हो चुके हैं अपने दरवाज़ों के अंदर अपने स्पीकर यहाँ पे, एंड अपने अंदर की जो काम है सारा अपना वो भी हो ही चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया। यहाँ आपको अपना जो बोनट ये फ्रंटर होता है अपने वाला, ये भी हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पे, ब्लैक कलर का जो आता है अपने रेंज रोवर के अंदर। तो ये समझ लीजिए अब आप कि गाड़ी अपनी पूरी मतलब रेंज रोवर में ही कन्वर्ट कर दी गई भैया ने, देख लो आप गाड़ी का लुक देख लो, कहीं से भी अब ये है ना अपनी ब्रीजा नहीं लगने वाली, एक तरह से तो देखोगे तो अपनी रेंज रोवर में ही कन्वर्ट हो चुकी गाड़ी। चेकआउट कर लो गाड़ी का लुक आप, जो कि बेहतरीन सा लुक दे दिया भैया ने इसको काम करके पूरा इसमें। अगर आपको भी ऐसी कोई गाड़ी मॉडिफिकेशन करवानी है तो स्क्रीन पर आपको नंबर फ्लैश करा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर एंड एड्रेस दोनों मिल जाएगा, तो सिंपली आप भैया से कॉन्टैक्ट करके अपनी गाड़ी ला सकते हैं यहाँ पे काम करवाने के लिए। यहाँ आपको जिसका क्रोम वाला पार्ट आता है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं यहाँ पे, तो सिंपली आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। सीधा कहाँ पर आना है आपको, करोलबाग आरबी गाड़ी कॉल पर आप आ सकते हो, दिल्ली में अपनी ये शॉप पड़ती है यहाँ पे, और गाड़ी का लुक देख लो यहाँ से। यहाँ हमने इसके पार्सल भी इंस्टॉल किए, जो कि मारुति इंजन में आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पे, जिसको आप देख लो जिस तरह से आप इसको ऊपर भी टांग सकते हो अपना, जिससे अपना ये पूरा हो जाता है। एंड यहाँ से आप एम साइड का लुक देखोगे गाड़ी का, तो आप देख लो यहाँ से गाड़ी की लुक चेकआउट कर लो अपने से, जो एक नंबर आपको लुक मिलने वाला है गाड़ी का यहाँ पे, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर का लुक। आईडी की अपनी सेंट्रल लॉकिंग भी इंस्टॉल की है, जो कि आप देख लो तो इस तरह की आपको आईडी की सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, जो अपने की के साथ कनेक्ट होती है, जो अपनी लॉकिंग लॉकिंग बचती है अपनी। आप देख लो प्रॉपर काम हो चुका है अपने ब्रीजा के अंदर यहाँ पे कंप्लीट अपने, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। फ्रेंड फाइनली अपनी ब्रीजा यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आप देख लो अपने इंटीरियर वगैरह लुक आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे, जो प्रॉपर अपनी सीटें वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि आप चेकआउट कर लो यहाँ पे सीट अपनी। कुशनिंग इसके अंदर आपको अच्छी खासी मिलने वाली है यहाँ पे, आप देख लो कुशनिंग एक नंबर आपको मिलने वाली है, कुशनिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, आप चेकआउट कर लो। इसका इंटीरियर आप देख लो पूरी गाड़ी से अपना सेम मैच किया गया, अपना देख लो अपने डोर पैनल वगैरह सबके अंदर अपना लगाया गया अपना, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे अपना इंटीरियर पूरा अपना। एंड यहाँ पे आप देख लो अपने डोर अपनी जो सीट वगैरह है इसके अंदर आपको कुशनिंग वगैरह एक नंबर मिलने वाली है, इसकी वारंटी भी मिल जाती है आपको बेस्ट वाली अपनी। एंड यहाँ पे आप देख लो इसके अंदर आपको कुशनिंग भी एक नंबर आपको मिलने वाली है, यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा ऊपर अपना सीट पर अपना। पीछे का रियर हेड रेस्ट भी हमने इंस्टॉल करी, जो कि आप देख लो पीछे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ अपनी सीट पर आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे, इनके अपनी जो यहाँ पे डबल स्टिचिंग में की गई है यहाँ पे सिलाई अपनी, आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे प्रॉपर अपनी, जो कि आप चेकआउट कर लो यहाँ पे। एंड इसका सीट पर आप देख सकते हो अपना मटेरियल रहने वाला भी है, अपने सब कुछ रहने वाला है यहाँ पे, जो कि आप देख लो एक नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है सारा काम अपना सीट पर का। एक बार आपको मैं जरा स्टीयरिंग का दिखाऊँ, इसका स्टीयरिंग रॉड भी आप यहाँ पे चेकआउट कर लो अपना, फाइनल हो चुका है, जो कि अपना रैप हो चुका है प्रॉपरली अपना, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। पीछे के सीट्स भी अपने तैयार हो चुके हैं, जो कि आप देख लो प्रॉपर अपने बकेट फिटिंग के अंदर में तैयार किए गए हैं अपनी सीट पीछे के भी। एंड इसका इंटीरियर आप देख लो पूरा अपना इंटीरियर का पूरा काम हो चुका है यहाँ पे, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। अपने GFX वाले मैट भी इंस्टॉल किए हैं, जिसकी आप क्वालिटी देख लो अपने ब्रीजा के रहने वाले, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जिस तरह के आपको अपने GFX वाले मैट मिलने वाले, जो कि बहुत ही अच्छे ब्रांड के मैट रहने हैं अपने यहाँ पे, जो कि आप चेकआउट कर लो यहाँ पे, एक नंबर आपको मैट देखने को मिलने वाले यहाँ पे अपनी गाड़ी के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। पीछे अपने लगाए हुए हैं आप देखो, पीछे भी रखते हुए अपने मैट अपने यहाँ पे। एंड सीट पर अपनी सीट अपनी साफ की जा रही है, जो कि देख लो आप पॉलिश अपनी साफ होती है बढ़िया से, देख लो आप यहाँ पे अपनी सीट पे पॉलिश लगा के इसे साफ कर दे, जिससे आपकी गाड़ी एकदम चमक जाए, खूबसूरत बन जाती है इससे अपनी गाड़ी। एंड गाड़ी आप देख लो पूरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे भैया की, जो कि आप देख लो स्टीयरिंग कवर वगैरह अपना सीट कवर वगैरह सब कुछ लग चुका है गाड़ी के अंदर, चेकआउट कर सकते हो आप यहाँ पे।
एंड इवन हम आपको एम्बिएंट लाइट अपनी ऑटो जो ऐप से अपनी कंट्रोल है उसका ऊपर चला के दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख लो अपनी जो एम्बिएंट लाइट है ये अपनी ऐप कंट्रोल रहनी है वाली है अपनी, जो कि आपको मैं कंट्रोल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक नंबर आपको यहाँ पे कंट्रोल होते हुए दिखने वाली है यहाँ पे अपनी एम्बिएंट लाइट। अभी ग्रीन में हो गई, अपनी पिंक हो गई, ग्रीन हो गई, फिर से ब्लू में आ गई। देख लो आप इस तरह का आपको बेहतरीन से अपना कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ऐप कंट्रोल होती है अपनी गाड़ी की, अल्ट्रा प्रो वाली जो सीरीज वाली अपनी एम्बिएंट लाइट आती है यहाँ पे, वो वाली हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की, जिसका आप लुक चेकआउट कर लो। यहाँ पे एक नंबर आपको लुक मिलने वाला है। यहाँ हमने इसके अपने जो फ्लाइट होती है यहाँ पे उसके अंदर हमने एलईडी भी इंस्टॉल किया। पहले अपने हाइलोजन वाले बल्ब आते थे, हमने यहाँ पे व्हाइट वाले इंस्टॉल कर दिए। इसके आप बैटरी देख सकते हैं यहाँ पे, अपना स्टिकर भी लगवा लीजिए जो कि पेट्रोल का अपना, तो पेट्रोल में स्टिकर भी अपना इंस्टॉल करवा लीजिए। फ्रेंड्स फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ पे ब्रीजा कंप्लीट हो चुकी है, जो कि भैया हमारे पास आए थे काम करवाने के लिए। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम एसएस बिस्ट है। ओके, वैसे आप कहाँ से आए हो भैया? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से कितनी देर हो गई भैया स्टोर पे आपको? यहाँ पे सुबह में 9 बजे पहुँच गया था, आज गाड़ियाँ ज्यादा थी इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। ओके, तो मतलब काम कैसे लगा आपको? काम तो ठीक है। ठीक है, ठीक लगा। जितना भी आपने काम करा इंटीरियर का, अपना एम्बिएंस लाइट का, कैसा लगा मतलब आपको? मैंने तो वैसे मारुति जेन्युइन से करवा लेता था ज्यादातर काम, कुछ काम रह गया था तो मैंने यहाँ से करवाया। ओके, वैसे आपको BXI था ना? हाँ, BXI को आपने पूरा ZXI में कर दिया। ZXI प्लस। ओके, ZXI प्लस में बन चुकी अभी। तो भैया आपने जो ये वाली अपनी लाइट लगवाई है एम्बिएंस लाइट गाड़ी की अल्ट्रा प्रो साइज वाली, ये कैसी लगी आपको, इसका ब्राइटनेस वगैरह? अभी तो सही लग रही है, बाद में देखते हैं। ओके, मतलब काम पे सेटिस्फेक्शन हो ना? काम सेटिस्फेक्शन, मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई कोई ऐसे मतलब ऐसे बता रहे हो अपने आप से? नहीं नहीं, काम ठीक है। हाँ, काम से सेटिस्फाइड हो ना मतलब? हाँ। ओके, और किसी के सेटिस्फेक्शन है कोई आ सकते हैं यहाँ पे? कैसे मतलब कोई किसी को आना हो तो आ सकते हैं? हाँ, अब मेरे को कोई अपने जान पहचान का कोई नई गाड़ी लेगा तो हम उसको रिकमेंड करेंगे। मतलब काम से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू भैया, एक बार ऐसे कर दीजिए। थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स आप अपनी ब्रीजा कंप्लीट हो चुकी है, जो कि अपनी यहाँ पे आईटी भैया के पास काम करवाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाद वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन वाले पर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलते वैसे ही नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बार बार आप गाड़ी पर अपनी गाड़ी ब्रीजा अपनी, जो कि आप देख लो भैया अपने बैठे हुए गाड़ी में, इसकी ब्राइटनेस आप देख लो लाइट होगी, जो कि आपको एक नंबर ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली इसके अंदर आपके यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बार बार कोई भी आपको काम करवाने तो आठ भी गाड़ी को आप सिंपली विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।